थ्री। मेरा नाम रंजीत कौर है। मेरे इन लॉज ने मेरा नाम रीत ग्रोवर रखा था। मुझे 2013 के एंड में ब्रेस्ट में लैम्प हुआ था, जिससे मुझे मैंने डॉक्टर राजीव गुप्ता है उनसे ट्रीटमेंट करवाया था। तो उन्होंने मुझे टेस्ट सुजेस्ट किया था, तो मैंने वो टेस्ट करवाया था, तो उससे मुझे डिक्लेयर हुआ था कि मुझे कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके बाद उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया था कि आप एक बार पेट स्कैन करवा लो कि ये सिर्फ ब्रेस्ट में या बॉडी के किसी और पार्ट में ना हो। तो मैंने पेट स्कैन करवाया था तो पेट स्कैन में मेरी ब्रेस्ट कैंसर निकला था। तो उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन बोला था। तो मेरी पहले कीमोथेरेपी हुई थी, फिर मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद मेरी रेडिएशन हुई थी। तो मैं उसके बाद उस ट्रीटमेंट से ठीक हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मुझे 6-6 महीने के गैप में मुझे सुजेस्ट किया था कि आप पेट स्कैन करवाओगे, कि आप पेट स्कैन जरूर करवाना तो आपको पता लगता रहेगा आप ठीक हो और रिपोर्ट दिखानी है। तो मैंने पेट स्कैन करवाया 6-6 महीने के गैप में, जैसे उन्होंने बताया था। उसके बाद मैं ठीक रही। 2017 में मुझे फिर दोबारा से एंड में फिर दोबारा से कैंसर हो गया, जिसमें मुझे मतलब खांसी की प्रॉब्लम आती थी, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सांस भी नहीं आता था कभी कभी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने मुझे पहले तो कहा था कि आप किसी ENT डॉक्टर को दिखा लो कि आप ठीक हो जाओगे अगर खांसी है तो। पर मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया कि आप एक बार फिर पेट स्कैन करवा। मेरी 5 कीमो हो चुकी थी, तो उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ पेट स्कैन दोबारा से, तो उसमें मेरी रिकवरी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी हद तक मेरी रिकवरी हो चुकी थी उसमें। उसके बाद मुझे फिर वॉमिट स्टार्ट हो गई थी, तो डॉक्टर राजीव ने मुझे जो है, डॉक्टर राजीव गुप्ता, उन्होंने मुझे जो है दोबारा से जो उसके इंजेक्शन होते हैं वो लगवाए कि मतलब मैं ठीक हो जाऊँ। तो उससे ये कि मतलब जैसे इंजेक्शन लगता था, जितनी देर उस इंजेक्शन का असर हो उतनी देर मैं ठीक रहती थी, बाद में मुझे फिर दोबारा से वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद मुझे जब वॉमिट स्टार्ट हुई तो उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया कि आप एक बार सिटी स्कैन ब्रेन का करवा के देख लो, एक बार वो चेक करवा लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मैंने सिटी स्कैन ब्रेन का करवाया, तो उसमें मुझे ब्रेन कैंसर निकला। जब मुझे ब्रेन कैंसर निकला तो उन्होंने मुझे रेडिएशन सुजेस्ट की। उसके बाद जब मुझे रेडिएशन सुजेस्ट की तो मैंने अभी पहली रेडिएशन ही करवाई थी, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे से चलना मुश्किल हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे मेरी रेडिएशन बढ़ती गई, जैसे 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, तो मैं टोटली बेड पे आ गई थी कि मतलब ये हाल था कि अगर मैं लेटी हुई हूँ तो मुझे कोई साइड चेंज करवाएगा, अगर मैंने वॉशरूम जाना है तो मुझे मेरी सिस्टर या घर में से कोई मुझे वॉशरूम तक लेके जाएगा, प्लस सीट पे बिठाएगा और सीट से मुझे उठाएगा, तो मैं उठ पाती थी, नहीं तो मैं सीट पे बैठ ही रह जाती थी। तो वो मुझे मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया उस टाइम पे, मतलब उन्होंने ही मतलब सारा कुछ करवा के दिया। उसके बाद मेरी रेडिएशन ख़त्म हुई, फिर उसका सारा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, तो उन्होंने मुझे ओरल कीमो दी थी कि आप रेगुलरली ओरल कीमो लो। अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर राजीव गुप्ता के इलाज से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं कंटिन्यू जॉब करती हूँ और मुझे जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल सही हूँ। जैसे मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता जी के ट्रीटमेंट से ठीक हुई हूँ, मैं चाहती हूँ अगर किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कैंसर से रिलेटेड तो आप उनसे जाके कंसर्न करें।